मसरत आलम की गिरफ्तारी से बीजेपी खुश है, लेकिन विपक्षी दल इसे देर से हुई कार्रवाई बता रहे हैं। पार्टी का प्रश्न है और संगठन का नेतृत्व है केंद्र में भी और प्रदेश में भी। हमारी नीति सदा से स्पष्ट रही है, कंसिस्टेंट रही है, इसको लेकर के कोई समझौता नहीं है। जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के, अलगाववाद के विषय को लेकर के, राष्ट्रवाद के विषय पर लेकर के ना कभी समझौता हुआ है ना कभी होगा। ये संगठन प्रेरित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से, जो जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के हुआ था जम्मू कश्मीर की भूमि पर। गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया। कश्मीर में पिछले 5-6 साल से जिस तरह का माहौल था, काफ़ी हद तक जो इस किस्म की गतिविधियों पर एक रोक लग गई थी, यहाँ तक के गिलानी भी कभी जलसा करते थे तो उसमें कभी पाकिस्तान के हक में के नारे नहीं लगाए जाते थे, कभी पाकिस्तानी झंडे नहीं लहराए जाते थे, लेकिन इस शख्स के बाहर आते ही ये सब कुछ शुरू हो गया। और जो थोड़े ही दिन के अंदर जो डैमेज ये करके गया है वो काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। एक शेख अब्दुल्ला था तो क्या हुआ, उसके बाद मसर्रत एक नहीं है, कई मसर्रत जो हैं वो पैदा किए जा चुके हैं थैंक्स टू द पॉलिटिकल लीडरशिप इन कश्मीर, चाहे एनसी कांग्रेस रही हो, अब भाजपा और पीडीपी की सरकार है, अब ये मसर्रत पैदा करना चाहते हैं।